पत्थर धरे हों 3 ठो, एक पत्थर जैसे मैं मारा था ये दे ए तरफ आप मन देखूँ तो वो चल जैसे जो है महाराष्ट्र में, और एक पत्थर वो जो है मैं पकड़े हों तो ये जो है मारा था तो ये तरफ जल्दी छत्तीसगढ़, और एक और पत्थर बचे अगर मैं फेंका था तो ये जल्दी से मध्य प्रदेश में। तो नमस्कार, जय जोहर जम्मू संगवारी, मतलब मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज के वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। जी हाँ संगवारी हो, मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ, अभी मैं ये समय जो है घनघोर जंगल के बीचों बीच में हूँ। आप मतलब देख सकते हो पूरा चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल आप मतलब दिखाई दी, और ये जंगल में एक स्थिति आया हूँ खबर कि ये जो जंगल है यहाँ यही पास भारत के जो है 3 राज्य के सीमा जो है लगे हुए हैं। मैं यदि बात करूँ तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 3 राज्य के जो है सीमा एक ही जगह में है। तो बिल्कुल आप मल्ला दिखाऊँ ये जो है जगह ला, और बताऊँ भी ये आखिर कौन सा इलाका हरे का कुछ है। तो पूरा ये वीडियो में बने रह संगवारी हो। नमस्कार, जय जोहार, और मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमार मोर मितान चैनल। तो संगवारी चलो आप मल्ला दिखाता ये जंगल के नज़ारा ला। ये देख सकते हो संगवारी हो आप मल्ला, मैं यहाँ दिखाता हूँ ये नदी गए हुए है। अभी जो है गर्मी के जो है समय चला था, देखर पाए कि अभी सूख गए हैं, और ये तरफ आप मन देखो तो पूरा पेड़ ही है, पेड़ पेड़ बांस के घलो पेड़ है बहुत। और हम हाँ ये जो जगह में आए हैं ओकर बारे में भी आप मतलब पूरा बारीकी से बताबो। हमार संग में स्थानीय भाई भी है यहाँ के जो ना एक बारे में पूरा अच्छे से हम मतलब जानकारी दी, और आप मल्ला भी हम अपन मोर मितान चैनल के माध्यम से दिखावो। तो ये पगडंडी से होते हुए हम जा था नौजगह में, जहाँ से 3 राज्य के जो है सीमा लगे हुए हैं। ऐसा बहुत कम जो है जगह देखे पर मिलते जे जो है 3 राज्य के सीमा जो है एक जगह में हो, ऐसा बहुत कम देखे पर मिलते। लेकिन आज हम अपन चैनल के माध्यम से ये जगह से आप मल्ला अवगत करा था, और ये देख सकते हो पतझड़ हुए हैं, काफ़ी पत्ता मन है गिरे हुए हैं, और ये भैया मन है जहाँ जो है जात है 3 जन हैं, और ये भैया जो है ये गांव के हरे पास के गांव के, तो हाँ बताइए मल्ला आखिर कौन सा इलाका छत्तीसगढ़ में आते, कौन सा इलाका है महाराष्ट्र में आते, और कौन सा इलाका है मध्य प्रदेश में आते, बोला ये भैया बताइए। अच्छा ये एक टोटल केठन नदी है, नदी ए मेरन ये एक ही नदी है कि अलग अलग नदी है? अलग अलग है दो। अच्छा दो अलग अलग नदी है। अच्छा सबसे पहले अपन नाम बताओ भैया। गणेश कोकोडे कटेमा। अच्छा गणेश कटेमा का हरे छत्तीसगढ़ के हरो? अच्छा ठीक। ये भैया जो है हमारे मानी के दो भैया गाता पार, और ये भाई जो है महेश जंगेर हमारे संग में आए हैं जोम निवासी। तो ये जो नदी के है ये कौन से नदी है रे भैया? छत्तीसगढ़ वाले। छत्तीसगढ़ वाला नदी का नाम कोयकसा नदी। और ये जो नदी के है वो महाराष्ट्र वाले। महाराष्ट्र वाले है क्या नदी हरे? ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा महाराष्ट्र वाला हरे ना। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है नाम है, थोड़ा छाव में चल देते हैं ओकर बाद चर्चा करते हैं जगह के बारे में। और त संगवारी हो आप मतलब पूरा अब एक बारे में हम अच्छा से डिटेल देबो, और भैया भाई जो है बतावा थे जगह के बारे में बढ़िया, तो थोड़ा छाव में आ जाता, और छाव में आए के बाद जो है थकावट की धूप बहुत ज़्यादा है, तो छाव में आके ही सब डिटेल आप मन ला देबो डिटेल्स ला। और ये देख सकते हो पूरा भी नदी सूख गए हुए हैं, काबर की गर्मी के ये समय है पे पाए के। ये बताओ भैया सबले पहले मोला ये तरफ थोड़ा छाए आते तरफ आऊगा। हाँ यहाँ जो है 3 राज्य के सीमा लगते का थे है नहीं? कौन कौन सा? कटेमा है, कट्टी पार है, मुरकोडो है। अच्छा कटेमा कट्टी पार। कटेमा कौन से? छत्तीसगढ़ में। कौन सा जिला?
राजनांदगांव। कट्टी पार है बालाघाट मध्य प्रदेश। और गाँव बताओ मुरकुडो। ओहा गोंदिया जिला महाराष्ट्र। ओ अच्छा, तो सुने संगवारी हो, तीन राज्य तीन जिला तीन गांव के नाम बताई से भाई है। तो अब हमारे दर्शक संगवारी मतलब बताऊँ कौन सा एरिया जो है छत्तीसगढ़ में आते, कौन सा महाराष्ट्र और कौन सा मध्य प्रदेश में, एक हर इलाका बताओ बताओ। चलो कदे जो है छत्तीसगढ़ में कदे तरफ है छत्तीसगढ़ वाले। अच्छा ये तरफ है, हमन जे जे तरफ से आहन कटेमत तरफ से आहन है, ये तरफ जो है ये छत्तीसगढ़ कहा थे भैया बताए थे गणेश भैया हाँ कटेमा निवासी हरे, छत्तीसगढ़ के निवासी हरे और इला मालूम है। बिल्कुल आप मन है ऐसे मत सोचो कि ये गलत बता थे, जानकारी नहीं है, स्थानीय हरे तेखर से हम धर के लाहन भाई ला सही जानकारी देवा ऐसे करके। तो इसमें कोई सवाल खड़े करने वाला जो है बात नहीं है भाई, जो है बताही तेने सही बताही, ये छत्तीसगढ़ के इलाका हरे और महाराष्ट्र के ये वाले। अच्छा ये महाराष्ट्र के इलाका है। अच्छा ये जो नदी गे है, अच्छा ये तरफ जो है नदी गे है, ये तरफ अपन संगवारी मतलब दिखा देखें कहा अच्छा से दिखेंगे तो अच्छा से समझिए हूँ है, ताकि लगे मत कोई भी सवाल खड़ा मत करे कि ये जो है जानकारी गलत है इसे करके। तो हम हाँ जो है ओला बताएंगे ये आप मन है जी। अभी जैसे हम आए हैं ए तरफ से आहन संगवारी हूँ आप मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, और ये जो इलाका बताई से ये छत्तीसगढ़ के इलाका बताई से, अब ये जो नदी है नदी के ओपार, नदी के ओपार महाराष्ट्र के इलाका लग जाते यानी कि गोंदिया जिला, गोंदिया जिला के गांव बताई से भाई है। गांव का नाम क्या बताया हम मुरकोडो। मुरकोडो मुरकोडो जो है पहला गांव कहा सकते हैं क्षेत्र के महाराष्ट्र के, ठीक है। और मध्य प्रदेश अच्छा ये जो है ये नदी के ओपार जो है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला और गांव का नाम बताया हो कट्टी पार। और मैं भी आप मतलब दिखा देता हूँ संगवारी अपन चेहरा, मैं तीन राज्य के जो है सीमा में आ चुके हूँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप मतलब विश्वास नहीं हो ही भले, लेकिन आप मतलब विश्वास करेल पड़ी, ये जो है आप मन देखा तो मोर पीछे मध्य प्रदेश और ये तरफ है छत्तीसगढ़ और ये तरफ जाऊँ तो महाराष्ट्र है। तो ये जो है ये जगह जो है तीन राज्य के जो है सीमा यहाँ लगे हुए हैं। हमारे बीच में गाथा पार के भैया है जो ना ये कटेमा गांव में ये पास में जो है लगभग 1.5-2 साल बिताए हुए हैं, वह अपन अनुभव बताई और कहा कुछ सच्चाई है वह बताई भैया। मानिक भैया नमस्कार। भैया मैं गाथा पार जंगल लिमोटुला से ये रोड में काम कर ला रहे हूँ, तो मुझे पता चली कि यहाँ पे तीन राज्य के सीमा लगे है, तो मैं एक दिन आ रहे हूँ तो देखे तो भैया हमारे चैनल भैया बताए हैं तो वहाँ तक जाना किस, तो मैं लेके आया स्थानीय आदमी भाई गणेश भाई हमारे सुपरवाइजर इस रोड में। तो ये रोड ये जो नदियाँ है, अच्छा ये नदी ये नदियाँ है तो महाराष्ट्र हो गए, अब ये जो नदियाँ है वो एक पार हम मध्य प्रदेश हो गए, अब वो जो बचत जगह दिखा थे वो छत्तीसगढ़ हो गए, यानी कि तीनों राज्य यहाँ पे एकदम सम्मिलित मिले हुए। अच्छा अब ओकर बाद तीनों सब छत्तीसगढ़ के पानी आते हैं और मध्य प्रदेश एक के साथ में दोनों धार पकड़ के चलते थे, पर मध्य प्रदेश मतलब महाराष्ट्र हो गए ये पर एमपी होगा बीच है छत्तीसगढ़ बीच है छत्तीसगढ़। अच्छा तो नदी के जो धार आते वो तरफ से इसे आते कि ये तरफ से जाते, नहीं वे सब वही तरफ से आते। अच्छा वो तरफ से आते, तो ये नदी है जो है मध्य प्रदेश की नदी है कि छत्तीसगढ़ के, ये नदी दोनों बॉर्डर है, आधा नदी है छत्तीसगढ़ में आधा नदी है मध्य प्रदेश में। अच्छा यही नदी आधा नदी है छत्तीसगढ़ में आधा नदी है महाराष्ट्र में। अच्छा तो ये जो है वो तरफ से ये तरफ से पानी है इसे आते, अभी तो खैर गर्मी के दिन है तो सूख गए नदी है, और ओखर बाद जो है ये जो दोनों नदी एक होके फिर ये आधा बॉर्डर है महाराष्ट्र के आधा बॉर्डर है एमपी के। अच्छा तो दोनों है एक हो जाते मिल जाते है नहीं। अच्छा वो तरफ से जो है अलग अलग आते पर ये जाके पूरा मिल जाते एक हो जाते, तो ऐसे है संगवारी हो ये जगह के जो है महत्व आप मतलब मैं बताता हूँ। तीन राज्य के जो सीमा मिलते और काफ़ी एक यूनिक है ये जगह है, मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा टाइप के जगह आप मन शायद देखे नहीं हो मोर ख्याल से, अगर देखे भी हो तो ज़रूर बताऊँ आप मन है कि कहाँ ऐसा और जगह है जैसे जो तीन राज्य के सीमा जो है मिलते। कोई भी अगर आप मन के मन में शंका हो ही कि ये जो है हम दिखा था नो गलत है ऐसे करके, तो आप मन है कटेमा के कोई भी आदमी पूछ लूँ जो छत्तीसगढ़ के हरे राजनांदगांव जिला कटेमा गाँव राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कट्टी पार गांव जो है लगभग कितने किलोमीटर हुई
चार किलोमीटर। ओ गांव का आदमी मतलब ही पूछ लो, बालाघाट जिला पड़ते हो मध्य प्रदेश के, ठीक है। और ये जो है महाराष्ट्र के ओपार जो है मुरकोडो गांव के भी कोई आदमी पूछ लू, ओ मन भी बता दी जिला गोंदिया में पड़ते। ये तीनों गांव में आके अपन पूछ सकते हो कि ये जो हमन जगह में खड़े हैं अभी, ये जो हमन चारों जन खड़े हैं ये जगह में, और ये जगह जो है वास्तव में तीन राज्य के सीमा लगते कि नहीं तेला, आप मन जरूर आके पूछ सकते हो अगर आप मला डाउट हो ही था। तो संगवारी हो, ये जो वीडियो आप मन के लिए हम बना हैं तीन राज्य से जो सीमा लगे हुए है, तो देखे हो आप मन हाँ कैसे लगे इसे जरूर कमेंट करके बताऊँ। और ये जो तीनों गांव में भाई जो बतात रही से गोड़ आदिवासी समुदाय के लोगन में रथे पूरा, कोई अन्य समाज के नहीं है, पूरा गोड़ आदिवासी समाज के मन रथे यहाँ। और बात करें तो बोली भाखा का चलते तरफ का भाषा बोलते, छत्तीसगढ़ी गोंडी हिंदी मराठी सब चलते ना। अच्छा, तो ये है ये क्षेत्र के जो है भाषा के बारे में बात करें, भाषा बोली के बारे में बात करें तो, और ये जो जगह आप मला दिखा हन कैसे लगी से जरूर कमेंट करके बताओ संगवारी। मोला लगते है कि ऐसे टेक पे जो जगह अपन है कम ही देखे हो, अगर देखे भी हो कुछ संगवारी मन देखे भी हो सकते, लेकिन बहुत जन संगवारी मन ऐसा जो है यूनिक जगह नहीं देखे हो ही। मोला ऐसे लगते हमार मोरमितान चैनल के माध्यम से बिल्कुल दिखा हन, तो वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करो संगवारी हो। मैं दुलार देवत रहूँ, आगू घलोक हम कोशिश करबो ऐसे नया नया जगह और हटके कोई जगह के वीडियो आप मन के लिए लेके आवत रहन। मैं दुलार बनाए रखो संगवारी हो, मिलते हैं नव वीडियो के संग। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मध्य प्रदेश, जय महाराष्ट्र।